गुड मॉर्निंग एवरीवन. हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर का एनएससी एंड बीएससी चैप्टर का, दैट इज डीलिस्टिंग ऑफ कंपनीज फ्रॉम एनएससी. जो सिक्योरिटीज लिस्टेड हैं एनएससी पे, जो एक्सचेंज है, अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस, वहाँ से जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनको डीलिस्ट कर सकता है. जो सिक्योरिटीज लिस्टेड हैं एनएससी पे, उन्हें डीलिस्ट किया जा सकता है एज पर सेबी डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज गाइडलाइंस 2003. किस मैनर में? दो तरीके हैं. पहला, वॉलंट्री डीलिस्टिंग ऑफ कंपनीज, कि जब जो भी प्रमोटर है या जो भी कंपनी का पर्सन है, ऑफिशियल है, कंसर्न ऑफिशियल है, वो अगर अपनी सिक्योरिटीज को डीलिस्ट करवाना चाहता है अंडर द प्रोविजन ऑफ दीज गाइडलाइन, तो उसे पहले, डीलिस्ट करवाने से पहले, उसे प्रियोरियर अप्रूवल लेनी पड़ेगी अपनी कंपनी के शेयर होल्डर से, जिसके लिए उसे एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा अपनी जर्नल मीटिंग में, और इसके लिए उसे एक पब्लिक अनाउंसमेंट भी करनी पड़ेगी प्रिस्क्राइब्ड मैनर में. उसके बाद वो एप्लीकेशन देगा डीलिस्टिंग करने के लिए एक्सचेंज को, उस फॉर्म में जो स्पेसिफाइड किया है कंसर्न एक्सचेंज ने, जहाँ से कंपनी अपने आप को डीलिस्ट करवाना चाहती है. कोई भी प्रमोटर जो है कंपनी का, जो डीलिस्ट करवाना चाहता है स्टॉक एक्सचेंज से, उसे एक एग्जिट प्राइस भी डिसाइड करना पड़ेगा डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज के लिए, इन अकॉर्डेंस विद जो आपका बुक बिल्डिंग प्रोसेस है. जो स्टॉक एक्सचेंज है वो डिस्प्ले करेगा डीलिस्टिंग प्राइस अपने टर्मिनल्स पर, ट्रेडिंग मेंबर्स के जो टर्मिनल्स हैं उन पर, ताकि जो इन्वेस्टर हैं उनको पता चल सके प्राइस स्क्रीन पर जो है, कि जो डीलिस्टिंग का प्रोसेस है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए. नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम डीलिस्टिंग कर सकते हैं, दैट इज़ कंपल्सरी डीलिस्टिंग ऑफ कंपनीज. पहला जो हमने किया वॉलंट्री डीलिस्टिंग ऑफ कंपनीज, वो था जब जो पर्सन है, मतलब जो कंपनी है, वो खुद अपने आप को डीलिस्ट करवाना चाहती है. कंपल्सरी डीलिस्टिंग ऑफ कंपनीज जो होता है वो एक्सचेंज की तरफ से होता है. जो स्टॉक एक्सचेंज है वो डीलिस्ट कर सकता है कंपनीज को, जिसको उसने सस्पेंड किया हुआ है फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स. किस चीज़ के लिए? अगर जो भी लिस्टिंग की एग्रीमेंट की कंडीशंस है वो उसको फुलफिल नहीं करते. लेकिन उसके लिए जो स्टॉक एक्सचेंज है उसे एडिक्वेट और वाइड पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा न्यूज़पेपर में, और जो एक्सचेंज है वो शो कॉज नोटिस भी देगा कंपनी को. जो एक्सचेंज है वो प्रोवाइड करवाएगा 15 डेज का टाइम, ताकि जो भी कंपनी है वो अपनी रिप्रेजेंटेशन एक्सचेंज को दे सके. जो सिक्योरिटीज़ है कंपनी की, एक्सचेंज डीलिस्ट कर देगा तो जो प्रमोटर है कंपनी का, वो लाइबल होगा कंपनसेट करने के लिए सिक्योरिटी होल्डर्स को, उन्हें फेयर वैल्यू अपनी सिक्योरिटीज़ का देने के लिए. तो ये था हमारा डीलिस्टिंग ऑफ कंपनीज फ्रॉम एनएससी का टॉपिक. नेक्स्ट जो टॉपिक आपने यहाँ पे करना है वो आता है, ये एनएससी का टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट जो इस चैप्टर का टॉपिक है, दैट इज इन्वेस्टर. इन्वेस्टर बैकबोन है सिक्योरिटीज मार्केट की. जो सेबी बनाया गया था वो इसीलिए बनाया गया था कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके. तो जो प्रोटेक्शन है इन्वेस्टर्स का वो सबसे इम्पॉर्टेंट है. तो एनएससी स्टॉक एक्सचेंज है उसके लिए भी यही चीज़ इम्पॉर्टेंट है. तो उसके लिए एनएससी ने प्रॉपर प्लेस पे सिस्टम्स अपने लगाए हुए हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि एडिक्वेट, अप टू डेट, करेक्ट इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टर्स को मिल सके, ताकि वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके. इसके लिए जो एनएससी है ऑल ओवर द टर्मिनल्स जो उसके कंट्री में है, वहाँ पे डिफरेंट मार्केट पार्टिसिपेंट्स को इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट वो करती है. प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे बोनस अनाउंसमेंट, मर्जर्स, न्यू लाइन बोनस सेक्टर, जो भी कंपनी से उसे रिसीव होता है वो डिसेमिनेट करती है मार्केट पार्टिसिपेंट्स को थ्रू नेटवर्क्स जो उसके एनएससी टर्मिनल्स हैं ऑल ओवर द कंट्रीज जो फैले हुए हैं. इसके अलावा जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो एनएससी लेती है इन्वेस्टर्स के लिए, उनके ग्रीवियंसेस को सॉल्व करने के लिए, इश्यूज जो डे टू डे फंक्शनिंग में आ रहे हैं उनको सॉल्व करने के लिए, और इनको एड्रेस करने के लिए इश्यूज कंप्लेन जो एनएससी को इन्वेस्टर्स करते हैं, उसने इन्वेस्टर ग्रीवियंस सेल सेटअप किया हुआ है जो हैंडल करता है कंप्लेंट्स जो भी इन्वेस्टर्स ट्रेडिंग मेंबर्स या कंपनीज के खिलाफ देते हैं. देन आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड. जो एक्सचेंज है उसने एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड बनाया गया है, ताकि जो भी इन्वेस्टर का क्लेम है, अगर जो ट्रेडिंग मेंबर्स हैं वो नॉन सेटलमेंट की जो उनकी ऑब्लिगेशंस हैं
अराइज होती हैं, तो उस केस में ये जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है, यहाँ से क्लेम का अमाउंट जो है वो पेबल होगा इन्वेस्टर को, और मैक्सिमम अमाउंट जो क्लेम का पेबल हो सकता है इस फंड से वो है 15 लाख रुपीज़। तो ये था हमारा इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड जो NSC ने बनाया हुआ है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ सबस्ट्रीज ऑफ NSC। जो पहली सबस्ट्री है दैट इज़ नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो NSCCL है, एक होली ओन्ड सबस्ट्री है NSC की। इनकॉपरेट हुई थी अगस्त 1995 में, और इसको जो सेटअप करने का पर्पस था वो ये था कि कॉन्फिडेंस लाया जाए, सस्टेन किया जाए क्लियरिंग और सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ के लिए, प्रमोट किया जाए, मेंटेन किया जाए शॉर्ट और कंसिस्टेंट सेटलमेंट साइकिल्स को, देन प्रोवाइड करवाया जाए काउंटर पार्टी रिस्क गारंटी, एक टाइट रिस्क कंटेनमेंट सिस्टम को ऑपरेट किया जाए। तो जो NSCCL है उसने कमेंस किए थे अपनी क्लियरिंग ऑपरेशन अप्रैल 1996 में। जो NSCCL है, जो कंपनी है, इसकी पेड अप कैपिटल 45 करोड़ रुपीज़ है, और प्रॉफिट 2013-14 में जो इसने अर्न किया था वो था 186.51 करोड़ रुपीज़। देन इसको एज ऑर्गेनाइजेशन देखें तो होली ओन सब्सिडरी NSC की हम बात कर चुके हैं, इनकॉर्पोरेट हुई थी अगस्त 1995 में। ये फर्स्ट क्लियरिंग कॉरपोरेशन था जो कंट्री में एस्टैब्लिश हुआ, और आल्सो फर्स्ट क्लियरिंग कॉरपोरेशन था जिसने इंट्रोड्यूस किया सेटलमेंट गारंटी का ऑप्शन। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने के, हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि ब्रिंग एंड सस्टेन कॉन्फिडेंस इन क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, प्रमोट करना, मेंटेन करना शॉर्ट एंड कंसिस्टेंट सेटलमेंट साइकिल्स को, प्रोवाइड करवाना काउंटर पार्टी रिस्क गारंटी, ऑपरेट करना एक टाइट रिस्क कंटेनमेंट सिस्टम। देन कमिटीज़, इसमें इन्होंने वेरियस कमिटीज़ बनाई हुई हैं जैसे गुड मार्केट प्रैक्टिसेस, सेटलमेंट प्रोसीजर, रिस्क कंटेनमेंट सिस्टम के, ताकि जो भी काम यहाँ पे हो रहा है उसको मैनेज किया जा सके। और इन कमिटीज़ में मेंबर्स इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स होते हैं, ट्रेडिंग मेंबर्स होते हैं, एक्सचेंज स्टाफ होता है जो मार्केट रेगुलेटर को रिप्रेजेंट करते हैं। देन हमारा जो नेक्स्ट सब्सिडरी है दैट इज़ इंडिया इंडेक्स सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स लिमिटेड। ये एक जॉइंट वेंचर था बिटवीन NSC एंड क्रेसल लिमिटेड, जो सेटअप हुआ था मई 1998 में, और इसका जो पर्पस था वो था वैरायटी ऑफ इंडेक्सेस और इंडेक्स रिलेटेड सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाना इंडियन कैपिटल मार्केट में। देन इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो जो इसका ऑब्जेक्टिव है ये है कि डेवलप करना, कंस्ट्रक्ट करना, मेंटेन करना इंडेक्सेस को इंडियन इक्विटीज़ की, कमोडिटीज़ की, जो सर्व करे यूजफुल मार्केट परफॉर्मेंस बेंचमार्क की तरह, और अंडरलाइंग इंडेक्सेस को जो डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में यूज़ होते हैं। देन डेवलप करना रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो इन्वेस्टर्स यूज़ कर सकते हैं अपने एक्सपोजर जो उनका है इक्विटी और कमोडिटी मार्केट्स में उसको मैनेज करने के लिए। देन डाटा प्रोवाइड करवाना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना ट्रेडिंग एक्टिविटी के रिगार्डिंग जो भी इंडियन स्टॉक मार्केट्स में हो रही है। देन मार्केट पार्टिसिपेंट्स को वैल्यू एडेड रिसर्च प्रोवाइड करवाना इंडियन इक्विटी एंड कमोडिटी मार्केट्स के ऊपर। देन हमारा थर्ड सब्सिडरी आता है दैट इज़ NSCIT लिमिटेड। ये 100% सब्सिडरी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड का। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ कंट्री की। तो इसकी जो पेड अप कैपिटल है वो है 10 करोड़ रुपीज़, और 14.04 करोड़ रुपीज़ इसने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अर्न किया इन द ईयर 2013-14। देन आता है आपका नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये आप अपने जो आपका IFS का सब्जेक्ट था आपके सेकेंड ईयर में, उसमें आप डिटेल में पढ़ के आए हैं। तो जो प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड रहती थी अगर आप ट्रेड करते हो फिजिकल सिक्योरिटीज़ में, उसको सॉल्व करने के लिए जो NSC और IDBI एंड यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है उन्होंने जॉइन हैंड किया ताकि डीमटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ को प्रमोट किया जा सके, और उन्होंने मिलकर सेटअप किया नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड, जो फर्स्ट डिपॉजिटरी है इंडिया की। इन्होंने कमेंस किया था बिजनेस नवंबर 1996 में। देन जो फिफ्थ सब्सिडरी है दैट इज .EX इंटरनेशनल लिमिटेड। ये जो डाटा और इन्फो वेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के, वो प्रोवाइड करवाया जाता है, एक सेपरेट कंपनी से प्रोवाइड करवाई जा करती है जिसका नाम है .EX इंटरनेशनल लिमिटेड। 100% सब्सिडरी है NSE की। प्रोफेशनल सेटअप है इसका जो इसी पर्पस के लिए बनाई गई है। जो कंपनी है उसने प्रॉफिट अर्न किया था, नेट प्रॉफिट 6345.50 लाख रुपीस का इन द ईयर 2013-14।
इसके साथ ये जो आपका चैप्टर है वो कंप्लीट होता है. इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दैट इज़ एक फुल फ्लेज 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बन सकता है, जिसमें आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए बोला जा सकता है NSC और BSC का. या फिर यहाँ से जो आपको क्वेश्चन बनता है दैट इज़ जो भी आपका BSC है उसके ऊपर आपका जो लिस्ट करवाने का प्रोसीजर है वो क्या है. तो जैसे ये है, व्हाट डू यू मीन बाय लिस्टिंग एंड एक्सप्लेन द लिस्टिंग प्रोसीजर ऑफ NSC या फिर BSC एंड राइट अ शॉर्ट नोट ऑन BSC. 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है. क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ से बन सकता है, क्वेश्चन नंबर 12 बन सकता है. और ये जो सबस्ट्रीज हैं आपकी NSC की जो लास्ट टॉपिक में हमने की, यहाँ से 4-4 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे राइट शॉर्ट नोट ऑन नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड. तो इसके साथ ये जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है. नेक्स्ट चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू सो मच.